सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल CJ6 सिविलियन वर्जन. ये बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन है CJ5 का, जिसको 1955 में लॉन्च करा गया था और 1981 में इसको डिसकंटिन्यूट कर दिया गया था. यू कैन सी द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल. सो फ्रंट से मैं बात करता हूँ, जब विलीज ने इस गाड़ी को बनाया था तो CJ5 को एक्सटेंड करा था, जिसका नाम रखा था CJ6. तो फ्रंट में इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये जो हेडलैम्प्स हैं ये सर्कुलर में ही आते थे और इसके अंदर आपको 7 स्लॉट की ग्रिल देखने को मिलती थी. और 55 to 60s के जो वेरिएंट आए थे उसके अंदर यहाँ पे जो ब्लिंकर लाइट्स थी वो छोटी आती थी, लेटर मॉडल्स में ये बड़ी कर दी गई थी. और ओनर ने यहाँ कस्टमाइजेशन करवाया हुआ है और ये बेसिकली ब्लैकआउट लैंप्स हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लैकआउट लाइट है और इसके अंदर वॉर में यूज करी जाती थी, जिसमें से सिर्फ इसके अंदर आपको हल्की सी लाइट दिखती थी. और इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे. और ये वॉर के टाइम पे स्पेशली यूज करी जाती थी M38A1s में, M170 में. और इसका एक मिलिट्री वेरिएंट आता था M170 CJ6 का, और ये M170 से ही इंस्पायर्ड है. और इसके अंदर मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा M170 और CJ6 में क्या डिफरेंशिएट है. तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो होल देख रहे हैं आप फ्रंट बम्पर में, तो ये बेसिकली अगर बैटरी नहीं होती थी तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ से एक आपको रॉड लगानी पड़ती थी जो इंजन में कनेक्ट होती थी, और उसके बाद आप उसको रोटेट करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाता था. बेसिकली ये लीव स्प्रिंग्स में आती थी, इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है ये लीव स्प्रिंग्स में आते थे. और ये राउंड फाइंडर जीप थी M38A1, M170 जो जीप्स थी, ये इसकी स्टार्टिंग फ्रंट फाइंडर से हुई थी और राउंडेड इसके अंदर आपको फ्रंट हुड देखने को मिलता था. सो यहाँ आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीप की बैजिंग दी गई है यहाँ पे. अब इसकी विंडशील्ड की मैं बात करूँ तो इसकी विंडशील्ड काफ़ी डिफरेंट है, CJ2A, CJ3A, CJ3B. मैं जो आप विंडशील्ड देखते थे उसके अंदर यहाँ आपको साइड आर्म देखने को मिलता था जो यहाँ पे लगता था, बट इसके अंदर विलीज ने चेंज कर दिया था, कन्वीनियंट कर दिया था. तो आप इसको नीचे हुड पे लाई डाउन करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगी. ये जो आप हुक देख रहे हैं ये यहाँ से अटैच हो जाता है, ये देख पा रहे हैं आप. तो इससे विंडशील्ड मूव नहीं होती वाइल्ड ड्राइविंग. स्प्लिट विंडशील्ड दी गई थी और सिंगल पीस विंडशील्ड भी इस गाड़ी के अंदर आपको दी गई थी. और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके बो टॉप के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई थी. और इसके अंदर जो वाइपर्स आते थे वो मैनुअल वाइपर्स आते थे, यहाँ पे लगते थे वो. और आपको मैं दूसरी चीज़ इसके अंदर दिखाएं तो ये है इसका फ्यूल फिलर. फ्यूल फिलर आप देखेंगे तो ये जो पूरा इंडेंट आप देख रहे हैं ये M38A1 M170s जो जीप्स बनी थी उसके अंदर आपको 4.5 इंच का फ्यूल फिलर दिया जाता था. तो सिविलियन जब मॉडल गाड़ी बनाई थी तो उसके अंदर यहाँ पे आपको 3 इंच का फ्यूल फिलर दिया जाता था. और बेसिकली इसके अंदर 40 लीटर्स का आपको टैंक दिया जाता है. अब आप देख सकते हैं कि जो CJ5 थी उसकी जो लेंथ थी वो यहाँ तक थी, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था जिसके बाद CJ6 आई थी. और रेयर के रिम साइज की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 16 इंचेस के आपको रिम्स देखने को मिलते थे, और इसका एग्जॉस्ट पाइप आपको रेयर टेलगेट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता था. नाउ ये जो चीज़ देख रहा है ये आपको CJ3Bs, विलीज, MB, फोर्ड GPW में देखने को नहीं मिलेगी. ये इंडेंट दिया गया था जिसकी वजह से आप यहाँ पे इसके सॉफ्ट टॉप को लगा सकते थे, और यहाँ पे आप जो होल देख रहे हैं यहाँ से इसके अंदर नट्स लगते थे जिसकी वजह से वो सॉफ्ट टॉप टाइट होता था. अब आप देख रहे हैं ये इसकी रेयर सीट है, रेयर सीट को भी आप रिमूव कर सकते हैं तो इसके अंदर आपको काफी कार्गो एरिया देखने को मिल जाता है सिविलियन जीप्स में, इसका रेयर रिफ्लेक्टर है. नाउ अब बात करते हैं रेयर टेल गेट की. तो ये जो देख रहे हैं आप ये कस्टमाइज है, वरना सिविलियंस मॉडल में आपको सिंगल रेड लैम्प देखने को मिलता था, ये ब्लैकआउट लैम्प है. गाड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ओनर ने इसको लगवाया हुआ है. ये इसका रियर टेल गेट है. अब इसकी टेल गेट की मैं आपको बहुत खास बात बताता हूँ. ये इसका रियर टेल गेट का डोर हिंज है, और इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसके अंदर आप सिर्फ अगर टेल गेट को रिमूव करेंगे
तो यहाँ पे जब आप जब तक आप 30 डिग्री के एंगल में इसके रियर टेलगेट को नहीं लेकर आएंगे, ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इसका भी एक मैकेनिज्म है हिंज का, कि अगर आप इसके रियर टेलगेट को ओपन करेंगे तो वो 90 डिग्री पे यहाँ पे लॉक हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। इसलिए इसका मैकेनिज्म ऐसा है। और इसके रियर टेलगेट को आप नीचे करेंगे तो आपको काफ़ी कार्गो एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा और कुछ भी आप इसके अंदर सामान लोड कर सकते हैं। ये इसका रेयर हिच है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, तो ये बेसिकली सिविलियंस जीप में लगाई गई थी फॉर फार्मिंग, और जो पीछे रेयर हाइड्रोलिक्स जो लगते थे उसके लिए यहाँ पे ये दिया जाता था। और इसका बॉडी शेप ऐसा दिया था क्योंकि ये हार्वेस्टिंग के भी काम आती थी, ड्रिल करने के भी काम आती थी, उसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगते थे, इसलिए आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। और ये जो आप इसके रेयर में जो बम्पर है उसमें आप ये दो होल्स देख रहे हैं, तो ये पूरा जो था यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट माउंट करी जाती थी। ये जो है ये सॉफ्ट टॉप का लूप है,